आज नौजवान बच्चों को भी आप देख लो, गली मोहल्ले के कुछ लड़के होते हैं, वो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं। लेकिन वही लड़का जब अपने घर जाता है तो अपनी बहन, जो उसकी जवान सुंदर बहन है, वो अपनी बहन को ना छेड़ता है, ना उसके प्रति गलत भाव रखता है, ना गलत शब्द बोलता है। अब बताओ कि जो लड़का सारी लड़कियों को गलत दृष्टि से देखता है, वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत नजर से? किसने रोका है? उसी के अंदर के धर्म ने, यार ये तेरी बहन है। जिस दिन उसके अंदर का धर्म मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन के साथ भी वही व्यवहार करेगा जो समाज की अन्य लड़कियों के साथ करता है। धर्म जिंदा है तब तक आप व्यवस्थित हो। ये व्यवस्थाएं किसने बनाई? धर्म ने। आपके अंदर धर्म है तब तक ही आप व्यवस्थित हो। आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो आपकी व्यवस्थाएं फिर कोई पुलिस व्यवस्था ना बना पाएगी, कोई सेना व्यवस्था। सेना पुलिस तो देश की व्यवस्थाएं बनाती हैं, जो घर की रोजमर्रा की व्यवस्थाएं हैं वो तो धर्म ही बनाता है।